वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज है संडे, 24 दिसंबर है आज, और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से, क्लीनिंग से। तो मैंने सबसे पहले आज हॉल की क्लीनिंग कर दी थी, क्योंकि जो हेल्पर है वो आने ही वाली थी, तो उनके आने से पहले डस्टिंग वगैरह कर लेते हैं और जो सामान इधर उधर फैला होता है बच्चों का वो सब उठा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आई होप आपका व्लॉग आज का अच्छा लगेगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आज जो हमारे साथ कांड हुआ है वो भी आपको देखने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि क्या हुआ आज। तो फ्रेंड, मैंने ऊपर से डस्टिंग कर दी थी और ये सोफ़े कवर वगैरह सब अच्छे से झाड़ के दोबारा पिलो अच्छे से लगा दिए थे सारे। टेबल वगैरह का भी क्लॉथ मैट जो था सारा साफ़ कर दिया था वो भी। क्या कर रहे हो? तो फ्रेंड, मैंने क्लीनिंग कर दी है, मीन्स डस्टिंग कर दी है सारी हॉल की, और अभी हाउसमेट आ जाएंगी हेल्प के लिए तो वो सफाई कर देंगे। ये सक्षम की फ़ोटो है और ये हमारी शादी की पिक है। सक्षम इसमें आई थिंक 2-2.5 साल का है। वो देखो फिर पहुंच गएगा। हटो, हट जाओ यहाँ से, हट जाओ, खड़े हो लो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, चलो 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 इधर चलो। सो फ्रेंड, देखिए ड्रेसिंग टेबल के पीछे से कितना कूड़ा निकला। बच्चे ना अपने सारे टॉयज पीछे डालते रहते हैं, तो ये भी अच्छे से क्लीन करा दिया था। उसके बाद मैं नहा ली थी, नहा के पूजा करके मैंने बनाया ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आज हमने सिंपल चाय और ब्रेड ले लिए थे बस, क्योंकि ज़्यादा कुछ मन नहीं था खाने का इसलिए। और दोपहर में सोचा था कि आज छोले चावल बनाऊंगी, बट तभी मेरी मम्मी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा अच्छी आज चावल नहीं बनते, तो चावल का कैंसिल करा मैंने प्रोग्राम। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, छोले भटूरे बना लूँगी मैं, तो भटूरे तो बच्चे भी सक्षम भी आराम से खा लेगा और ये भी खा लेंगे। तो उसके बाद मैंने जब चली जाती है ना सफाई करके, वो फिर हम ये कारपेट वगैरह बिछा देते, क्योंकि अभी सर्दी है ना तो ये बिछा देते हैं, बच्चे इस पर बैठ के खेल लेते हैं तो ठंड का नहीं, फिर टेंशन नहीं रहती ठंड की ना। देखिए अब हॉल अच्छे से क्लीन हो गया है सारा, सारा सामान इधर उधर जो पड़ा था सब उठा दिया था। और इसके बाद मैं आ गई थी मम्मी पापा के रूम में, इसको मैंने यहाँ पे ही सोए थे तो कंबल वगैरह पड़े थे वो अच्छे से तय करके रख दिए। और ये सक्षम का फेवरेट कंबल है, लाइटनिंग मैक्वीन का, तो इसको ये बहुत अच्छा लगता है। इसकी मूवी भी फिलहाल उसने देखी एक दो दिन पहले ही, तो मैंने ये वहीं चेयर रखी हुई, हमने कुछ भी रख देते हैं कंबल वगैरह हम लोग तय करके। और ऊपर से वो मैंने एक और कंबल जो था ये पिंक और ब्लू आप देख रहे हो ना, ये मम्मी ने हाथ से बनाया है, तो ये क्रोशिए का एक्चुअली, तो ये मम्मी ने खुद ही अच्छे से सक्षम के लिए बनाया था। तो उसके बाद मैंने ये बेडशीट वगैरह सब क्लीन कर दी, और अभी देखिए धूप कितनी अच्छी निकली है। तो इसके बाद मैंने मशीन भी लगा दी थी कपड़े वॉश करने के लिए। सो गाइज, हमारी दोनों बेबी नहा ली हैं और अब इनका सर थोड़ा गीला है तो धूप में लेके बैठ जाएंगे थोड़ी देर। बस बस, ठंड लगती है ना बच्चों को तो रोती हैं फिर ऐसी। ये लो ये लो, चलो टीका लगा दूं आपके। देखो ऊपर, आहा टीका लगाने बहुत अच्छा लगता है इनका। दिखाओ, आहा। सो फ्रेंड्स, सारा लगभग काम हो चुका है हमारा, लंच बनाना है बस अब। सो फ्रेंड, रिद्धि सिद्धि को नहलाने के बाद धूप में बिठाने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और मैंने छोले रख दिए थे उबलने के लिए और साथ में आटा लगा दिया था मैदा और सूजी मिला के। और उसके बाद मैं चली गई थी डॉक्टर को दिखाने के लिए अपना बैक पेन के लिए। उन्होंने मेरे को फिजियोथेरेपी के लिए बताया और भी कई चीज़ें बताई हैं, कैल्शियम की कमी बताई है मेन, तो उन्होंने तो वो मेरे को उन्होंने मेडिसिन दिया, वो मैं लूँगी आगे। सो फ्रेंड्स, अभी हम बैठे हैं धूप में रिद्धि सिद्धि को लेके, अभी अभी सो के उठी आई है, इतनी जल्दी सो के भी उठ गई। अभी मैं गई थी डॉक्टर के पास। सो फ्रेंड, इसके बाद शुरू होती है हमारे कांड की कहानी। आज क्या हुआ था, हमारा लाइट ख़राब हो गई थी किचन की, तो मैंने इनसे कहा कि आप एक लाइट लगा दो इस पर। उन्होंने पुराने ज़माने के जो बल्ब होते हैं ना वो लगा दी, जो येलो लाइट देते हैं ना वो वाले। और मैं फिर डॉक्टर के चली गई थी मतलब आटा करके और छोले उबाल के। जब मैं आई हूँ ना तो मैंने कहा चलो मैं छोले फ्राई कर देती हूँ, तो मैंने देखा गैस के ऊपर कांच पड़ा हुआ था, तो मेरा तो वहीं दिमाग हो गया कि यार कांच कहाँ से आ गया। मैंने फिर यहाँ ध्यान से देखा ना तो यहाँ सारे में कांच ही कांच हो रहा था पूरे किचन में, वो काउंटर टॉप के ऊपर खासकर। सो फ्रेंड, इसको साफ़ करने में मेरे को 1-1.5 घंटा लग गया। फिर मैंने सोचा यार मैं फ्राई करूँगी ना छोले तो बहुत टाइम हो जाएगा, और भूख लग रही थी सबको, तो मैंने इनसे बाहर से मंगा लिए थे, हमने छोले कुलचे मंगा के वो खा लिए थे फिर।
और बीच में एक पार्सल भी आ गया था, ये भी लिया। देखो ये वाला होल्डर में से गिर गया था वो बल्ब निकल के। सो फ्रेंड्स, फिर खाना वाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करके मैंने फिर कपड़े सुखा दिए थे, क्योंकि कपड़े भी मशीन में हो चुके थे और पजामियाँ वगैरह सूखनी ज़रूरी है बच्चों की, तो फिर वो डाले बाहर मैंने। और ये मैं थोड़ा सा दिखा रही थी अपना, क्योंकि कॉम करनी थी मेरे को, डॉक्टर के जाने से पहले भी कॉम नहीं कर पाई, ऐसी करके चले गई थी, ऊपर ऊपर सारे बाल उलझे पड़े हैं, तो वो आराम से बैठ के करूँगी फिर मैं शाम को। सो फ्रेंड्स, अभी शाम हो गई है और सक्षम ने मेरे को बोला है कि मैं इस आइटम से इसके लिए क्रिसमस ट्री डेकोरेशन कर दूं। तो और ये सामान मैं कल लेके आई थी मार्केट से, ये 20 रुपीज का एक पैकेट मिला था मुझे जिसमें कि ये सब सामान था। तो ये था, बेल थी, और ये ट्री हमारा घर का ही है, और ये हमारा पिछले साल का क्रिसमस ट्री की बची हुई है कुछ लेयर्स, तो मैंने इसी पे लगा दी है। अब हम इसी से कुछ डेकोरेट कर देते हैं इसके लिए, ताकि ये खुश हो जाए। सो फ्रेंड, मैंने ये ऐसे बना दिया है इसका, छोटी सी नीचे डेकोरेशन करके, और जो और आइटम थे वो लगा दिए इस फ्लावर पे। सो फ्रेंड, ऐसे काम करते करते हो गई थी रात, फिर मैंने सोचा कि आज क्या बनाए, क्योंकि छोले कुलचे दोपहर में खाए थे तो ज़्यादा भूख नहीं थी किसी को, तो मैंने सोचा शाम को मैं सूजी के चीले बना लेती हूँ वेजिटेबल्स डाल के। तो सूजी भिगो के मैंने इसमें डाल दी थी प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर, और साथ में मैंने थोड़ी सी गाजर डाली थी कद्दूकस करके, और नमक, लाल मिर्च और देगी मिर्च डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था। हरी मिर्च नहीं डाली थी मैंने इसमें, और हरा धनिया भी मैं डालना भूल गई थी इसमें। तो फिर ये मैंने भिगो के रख दी थी थोड़ी देर के लिए, कम से कम 10-15 मिनट के लिए छोड़ दी थी। उसके बाद जो आंटी बर्तन करके गई थी वो मैंने लगाए, और क्योंकि बर्तन सूख जाते हैं ना तो शाम को ही लगा देती हूँ, मतलब 3-4 घंटे तो छोड़ देते हैं ऐसे। उसके बाद लगाए, इनसे भी बात कर रही थी मैं, और बर्तन भी मैंने सारे सेट कर दिए थे, कैबिनेट में रख दिए थे। सो फ्रेंड, बच्चे होने के बाद ना ऐसी वर्कलोड बढ़ जाता है, जिनके एक हैं उनकी सोचो क्या हालत होती है, और मेरी तो 3-3 है, मेरा सोचो मेरा क्या हाल होता होगा। मेरा काम तो ट्रिपल हो गया है हर चीज़ का, और बहुत मुश्किल होता है संभालना अकेले। बस फ्रेंड, फिर यही लगता है यार, चल 2-3 साल हैं, बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो शायद संभल जाएंगे, तो इतनी दिक्कत नहीं होगी तब। काम तो तब भी रहते हैं, पर हाँ फिर इतना नहीं रहेगा जो अब रहता है, छोटी केयर करनी रहती है जो। तो फ्रेंड, बर्तन वगैरह लगाने के बाद मैंने कर ली थी शाम की पूजा, और रिद्धि सिद्धि भी मेरे साथ में पूजा करी थी। इसके बाद मैं आई किचन में, और मैंने फिर ये इनके चीले बनाए थे, और एक तरफ मैंने छोले फ्राई कर दिए थे। मैंने कहा कि सुबह नाश्ते में छोले भटूरे बना दूंगी नेक्स्ट डे पे, तो उसके लिए वो मैंने रात को ही फ्राई करके रख दिए थे, क्योंकि मॉर्निंग में फिर लेट हो जाता है। सूजी के चीले अपने लिए बनाए थे, बट सक्षम ने कहा कि मैं तो ये नहीं खाऊंगा, उसके लिए मैंने फिर पिज़्ज़ा बेस मंगा लिया था इनसे, और पिज़्ज़ा बना दिया था। हमारे पास इलेक्ट्रिक तंदूर है, तो उसके अंदर बिल्कुल बाजार जैसा पिज़्ज़ा बनता है। इसने वेजिटेबल वाला नहीं खाया, इसने सिंपल खाया, तो उसमें बस मैंने सिंपल सॉस लगा के और मेयोनीज़ लगा दी थी, और अच्छे से स्प्रेड कर दिया उसको। उसके बाद मैंने इसमें डाला बटर, और ऊपर से डाल दिया था इसमें मैंने चीज़, मोज़रेला चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो इस पे ऊपर से ग्रेट करके डाल दिया था कद्दूकस करके, और इसको फिर थोड़ा सा प्रीहीट कर लिया था मैंने तंदूर को, और बहुत पे सेटिंग करके इसकी मैंने अंदर इसमें तंदूर में डाल दिया था। बहुत से क्या होता है कि ऊपर नीचे दोनों तरफ से सिक जाता है, कच्चा नहीं रहता बिल्कुल भी फिर। सो बस का भी पिज़्ज़ा फिर बन गया था, और इनके भी चीले वगैरह मैंने बना के अपना डिनर हमारा कंप्लीट हो गया था। सो फ्रेंड, मैंने अपनी कमर के लिए ये मंगाया, बैक पेन मेरे काफ़ी ज़्यादा है, तो डॉक्टर ने कहा कि आप इससे सिकाई कीजिए तो आपको थोड़ा आराम इससे लगेगा, और उन्होंने मेरे को फिजियोथेरेपी भी बोली है, देखती हूँ कब करा पाऊँगी फिजियोथेरेपी में। फिलहाल तो अभी इससे मैं सिकाई करूँगी कमर की सोते टाइम पे, बस सारा काम हमारा हो गया है। आई होप आपको व्लॉग आज का अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग, फिर मिलेंगे नए व्लॉग में, तो बाय बाय, टेक केयर।